रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में सोमवार यानी दिवाली की देर रात हुए एक घटना में मूनलाइट नामक एक बस जलकर राख हो गई। इस घटना में दो लोगों की दर्दनाक मौत होने की भी बात सामने आई है। दोनों मृतकों की पहचान मदन महतो और इब्राहिम के रूप में हुई है। हालांकि बस में आग कैसे और कब लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। संभावना जताई जा रही है कि यह घटना दिवाली के पटाखों की वजह से हो सकती है या फिर किसी ने इरादतन इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल खादगढ़ा टीओपी पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बस रांची से सिमडेगा मार्ग पर संचालित होती थी। पुलिस को मिली शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि दोनों मृतक बस के खलासी और ड्राइवर थे और दिवाली की रात दोनों बस में दिया जलाकर सो गए थे।